हाथ में है। और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मुद्दे पर अभी तक बीजेपी ही दावा करती रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के एक कार्यक्रम के लिए लगाई गई होर्डिंग में दावा किया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सर्वसम्मति से अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे। इतना ही नहीं, होर्डिंग में राहुल को राम भक्त और सीएम कमलनाथ को हनुमान और गौ रक्षक बताया गया है। इसमें पहले भी कांग्रेस राहुल गांधी को शिव भक्त बता चुकी है, ऐसे में एक बार फिर से पोस्टर्स लगाए गए हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर राम मंदिर पर अपना रुख साफ करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस पर कई बार ये सवाल उठाए गए कि आखिर बीजेपी जब अपना रुख राम मंदिर पर साफ कर सकती है तो फिर क्यों आखिर किसी भी तरह से बयानबाजी करने में या फिर किसी भी तरह की टिप्पणी करने में राम मंदिर पर क्यों कांग्रेस आखिर पीछे रहती है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें राम मंदिर को लेकर सर्वसम्मति की बात की गई है कि सर्वसम्मति से अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे कांग्रेस वाले, तो उसके क्या मायने निकाले जाएंगे यही फिलहाल देखने वाली बात होगी। एरी में रॉबर्ट वाड्रा की पेशी